सच साहस सरोकार। रामनगरी के एक स्कूल का हाल बेहाल, मिड डे मील में दिखी बड़ी लापरवाही, खाने के नाम पर परोसा जा रहा नमक चावल, नमक चावल खिलाने वाली प्रधानाध्यापक हुई निलंबित। क्या मिला? अच्छा, क्या मिला था? एक ओर जहां सीएम योगी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हर स्तर पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं अयोध्या के एक परिषदीय स्कूल से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों को मिड डे मील के नाम पर भोजन में नमक चावल परोसा जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। रोकत रहे बनावाना बनावाना बोला हम मान तो दूरा तो रुक कमरा माए तो अच्छा लगा लगन वो आए तो जट धरी गई चूल्हा में लकड़ी लगा दी अब चूल्हा बारी ना लकड़ी रख दी गई चावल ले आए चावल पछोरे लगे चावल पल गया तो हम कहें है सुबह कि जाए देखे तेरी दुकान पर हम अपना कहें कि जाए देखे दुकान पर अगर जो दाल हुए तो दाल ले आई सर जी यहाँ पैसा देवे करे तो कही कि नहीं उ टाइम होए के बाद लड़कन के खाए कहाँ है वो देर होती है तो हमसे कहीं नमक अपना गलती बताओ तो हमसे कहीं कि प्लेट बाहे नमक और मिर्ची भूके मिलावा अपना चावल काल है लागे वही भंडारी कही है। दरअसल पूरा मामला बीकापुर ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल डिहवा पांडे का पूर्वा का है, जहाँ स्कूली बच्चों को मिड डे मील के नाम पर खाने में नमक चावल दिया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मध्याह्न भोजन में बच्चों को सादा चावल और नमक दिया गया क्योंकि गांव के पास विद्यालय है, जिसकी वजह से बच्चे भोजन घर लेकर चले जाते हैं और भोजन करके फिर वापस विद्यालय जाते हैं, और जब कुछ बच्चों ने घर जाकर भोजन दिखाया और खाने से इनकार कर दिया तो गांव के कई पुरुष और महिलाएं विद्यालय पहुंचकर इस पर नाराजगी जाहिर की। सर जी अब तो हम रहे ना यहाँ, लेकिन जोन बना बच्चे खाइन बच्चे कहीं कैसे खावे तो मैडम जी जो रही भंडराइन तो बोलत यहाँ कहा यहाँ कि अगर नमक से नहीं खाओगे तो खाओगे किससे, तो बोला नमक हमें नहीं चाहिए मैं नमक से नहीं खाऊंगा, वो तो थाली लेके गया घर पे रख लिया, तो घर से दो एक लोग आए तो बताए तो वीडियो बन गया वायरल हो गया। ये इन लोगों का कार्यभार है, जिस प्रकार से ये कार्यभार अपने चला रहे हैं स्कूल का वो सब सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं गलती जो होती है वो छिपती नहीं है, अगर गलती होती रहती है तो कभी ना कभी बाहर आके निकल जाती है। सर ना इसमें कमी मास्टर की है, इसमें कमी सिर्फ भंडारी की है, प्रधान भंडारी को बोलना चाहिए तो मास्टर साहब से कि ये सामान नहीं है मंगवाए, वो अपने मन से करती है, मास्टर के कोनो वैल्यू ही ना रह गया, प्रधान के कोनो वैल्यू नहीं रह गया। गौरतलब है कि प्रधानाध्यापक की लापरवाही के ही चलते बच्चों को भोजन में मिड डे मील का राशन नहीं बांटा जा रहा है, स्कूल के प्रधानाध्यापक पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन के शह पर मिड डे मील के राशन में बड़ी मात्रा में गबन करने का आरोप लग रहा है। बच्चों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे भोजन खाते हुए नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी नितिश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है और इसकी जांच करा के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही कहा कि मैंने वायरल वीडियो को देखकर प्रधानाध्यापक के निलंबन का निर्देश जारी किए हैं, इसके साथ ही आरोपी प्रधान पर कड़ी कार्रवाई करने की जानकारी भी दी है। मुझे संज्ञान में आया है, तत्काल हमने बीएसए को जांच के लिए दिया है और तत्काल प्रथम दृष्टया जो मुझे वीडियो देख के लगा इसके अनुसार मैंने तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है और प्रधानाध्यापक निलंबित होंगी और प्रधान जो है उनके खिलाफ नोटिस जाएगी और उनसे प्राप्त करके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने की बात ये होगी कि पूरे मामले में प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगा ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह के मामले जिले में देखने को ना मिले। आज तो
आप देख रहे हैं प्राइम।